पर यूनिफॉर्म सिविल कोड से जुड़ी हुई है, जिसे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जो बैठक हुई उसमें नकार दिया गया है। कल लखनऊ में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक हुई थी, जिसमें यूसीसी का विरोध किया गया। बैठक के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अपनी राय लॉ कमीशन को भेज दी है, जिसमें बोर्ड की तरफ से यूसीसी का विरोध किया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि देश को समान नागरिक संहिता की जरूरत नहीं है, ये सभी धर्मों को नुकसान पहुंचाने वाला और गैर जरूरी कदम होगा। लॉ कमीशन ने 14 जून को नोटिस जारी कर यूसीसी पर सभी पक्षों के विचार और सुझाव मांगे थे। इस पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपनी राय भेजी और बोर्ड की बैठक करीब 3 घंटे तक चली थी, जिसके बाद तय किया गया कि वो यूसीसी का विरोध करेंगे और लोगों से भी इसका विरोध करने की अपील करेंगे। इसमें ये कहा गया है कि देश को समान नागरिक संहिता की जरूरत नहीं है, ये सभी धर्मों को नुकसान पहुंचाने वाला और गैर जरूरी कदम होगा। लॉ कमीशन ने 14 जून को नोटिस जारी कर यूसीसी पर सभी पक्षों के विचार और सुझाव मांगे थे। इस पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपनी राय भेजी और बोर्ड की बैठक करीब 3 घंटे तक चली थी, जिसके बाद तय किया गया कि वो यूसीसी का विरोध करेंगे और लोगों से भी इसका विरोध करने की अपील करेंगे।